अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने माथापच्ची के बाद सरकार गठन को अंतिम रूप दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने सरकार के प्रमुख चेहरे नाम तय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि विवादों से बचने के लिए कम चर्चित चेहरे को राष्ट्रपति बनाने पर फैसला किया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और मुल्ला बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम नंबर 2 व 3 पोजीशन पर रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान प्रमुख मुल्ला हेपतुल्ला अखुंदजादा ने ही हसन अखुंद का नाम प्रस्तावित किया है। सूत्रों के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी नए गृह मंत्री होंगे और गवर्नरों को नियुक्त करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद मीडिया से बात करने वाला जबीउल्ला मुजाहिद्दीन हसन अखुंद का प्रवक्ता बनेगा। जानकारी के मुताबिक हसन अखुंद मौजूदा समय में तालिबान की ताकतवर संस्था रहबरी शूरा या लीडरशिप काउंसिल का प्रमुख है, जो अहम फैसले लेती है। वे कंधार का रहने वाला है, जहां से तालिबान का जन्म हुआ था। उसे भी तालिबान के संस्थापकों में से एक बताया जाता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब पाकिस्तान खुलकर सामने आया है। अफगानिस्तान ISI प्रमुख हमीद फैज ने काबुल का दौरा किया। उनका यह दौरा दरअसल हक्कानी नेटवर्क से संपर्क करना था, ताकि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सेना को नए सिरे से गठित किया जा सके। इसके अलावा हमीद ने मुल्ला बरादर से भी मुलाकात